जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज मुझे फौजी कहते हुए अपने आप को शर्म आ रही है, क्योंकि मामला ही ऐसा हुआ है पंजाब में रोपड़ में एक ढाबे पर सेना के एक मेजर, एक सूबेदार और चार पांच जवानों के साथ मारपीट हुई है। और बड़े अफसोस की बात है कि मारपीट होने के बाद में वो पुलिस में गए हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आज इस वर्दी और फौजी कहलाने पर मुझे बहुत ही बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि एक ऑन ड्यूटी मेजर जेसीओ और उसके साथ चार पांच जवान, जिसके साथ एक ढाबे पर मारपीट होती है और उसके लिए वो मदद मांगने के लिए पुलिस पे जा रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि वहां के स्टेशन कमांडर, वहां की नजदीक यूनिट और उनके सीओ और कहीं ना कहीं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऐसे बयान पर मुझे अगर कहीं भी कोई भी जेल काटनी पड़े, फांसी चढ़ना पड़े, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी ये वर्दी सबसे पहले है और अगर इसकी इज्जत इतनी गिर गई कि एक ढाबे वाले ने हमारे सैनिकों को मार दिया और वो पुलिस से मदद मांग रहे हैं और पुलिस ने, जबकि पता है कि वो ढाबे के लोग थे, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है और कह रहे हैं कि हम छानबीन करेंगे। यानी हम इतने गिर चुके, एक जमाना था, इसी पंजाब का केस आपको पता है कि हमारे एक फिल्म देखने गए थे हमारे सेना के कुछ अधिकारी जवान और उनकी फैमिलियां, और उनके फैमिलियों को सिनेमा हॉल में पंजाब के सीएम का लड़का, उनको और उनके दोस्तों ने कुछ बद्दे कमेंट्स कर दिए थे, छेड़छाड़ कर दी थी, और हमारी सेना के एक कर्नल ने उन स्थलों को, पूरे हॉल को घेर के उठाकर कैंट के अंदर लेके आ गए थे। और ये पुलिस को तो छोड़ो, उस मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दिया था कि गेट पर पैदल आएगा, और उसके लड़के को नंगा बैठा दिया था। वो थे सेना, वो थे रॉयल अधिकारी, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, जय हिंद। ऐसे बहुत किस्से मैं गिना सकता हूं। अजमेर में एक नायक की फैमिली को छेड़ने पर पुलिस वाले ने, पुलिस थानों में सेना ने तोड़फोड़ कर दी थी। ग्वालियर में एनएसजी में एक सिर्फ टोल पर टैक्स के मामले में नचा दिया था। और यहां एक ढाबे में हमारे प्रेजेंट मेजर सूबेदार और जवानों के साथ मारपीट होती है और सेना कह रही है, और हमारे कुछ अधिकारी ट्वीट कर रहे हैं कि मेजर सचिन और एक जेसीओ और जवानों के साथ मारपीट हुई, मेजर सचिन का सिर फाड़ दिया गया और पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब पुलिस से मांग रहे हैं मदद। अरे मनोज पांडे जी, आप हमारे इंजीनियर के हैं, इसलिए कहते हैं, हमें याद है जो जनरल मानिकशॉ, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घुमा दिया था कि सिर्फ आदेश करो, कार्रवाई हम करेंगे, और वो एक कर्नल ने जिसके मुख्यमंत्री के बेटे को लाकर बैठा दिया था और पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि वहां घुस जाए। और तुम पुलिस से मदद मांग रहे हो, तुम जवानों की मदद क्या करोगे? मुझे आज भी याद है, मेरी एक कार्रवाई दिल्ली से गुजर रही थी और मैं खुद साथ था, और हमारे एक मेजर बख्शी ने, सलूट करता हूं मैं उसको, टोल पर गुजरते हुए टोल टैक्स के कुछ लोगों ने बदतमीजी कर दी थी, तो हमने उनको भी अच्छे से सबक सिखाया था। और फिर दिल्ली पुलिस के एक एसपी और कुछ टीम आई थी जिसने बदतमीजी कर दी थी हमारे मेजर साहब से और हम लोगों से। एसपी को थप्पड़ मारकर 4 फीट दूर फेंक दिया था मेजर ने। बोला ये वर्दी है, हिंदुस्तानी आर्मी है, जब तुम्हारे सामने झुकेगी
हम अपने जवानों की भी इज्जत नहीं कर सकते, हमारी फैमिली बच्चों को नहीं कर सकते, तो साला तुम लोग क्या हो। वो होते थे रॉयल अधिकारी, वो जमाना था सेना। लेकिन अब स्टेशन कमांडर वहां बैठा क्या चूड़िया पहन कर बैठा है, या आसपास के यूनिट के सीओ, वो मेजर को मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी एथलीट टीम थी, क्यों नहीं आप नजदीकी यूनिट में गए और फोन करते, और वहां जो क्यूआरटीए घूम रही है, भाई क्यूआरटीए घूमती किस लिए है? अपने ही जवानों को पकड़ने के लिए, कि अपना जवान कहाँ जा रहा है, अपना जवान कहीं दारू पी के तो नहीं घूम रहा है, अपना जवान साला अंदर की चीजों को पकड़ने के लिए क्यूआरटीए बनाई हुई है क्या? ये संदेश हमारे साफ लोग का वीडियो निकाल रहे हैं, पुलिस मदद नहीं कर रही। अरे अगर सेना को पुलिस की मदद की जरूरत पड़ी तो ऐसे ढाबे वाले ऐसे लोग सिविलियन को क्या समझेंगे? जब उन्होंने सेना के लोगों को मारपीट कर दी, ये फिर आम पब्लिक को क्या समझेंगे? अगर ये मैसेज जाता है कि मेजर, सेना के मेजर को मारा गया, जवानों को मारा गया, सुबदार साहब को मारा गया, और वो पुलिस को बोल रहे हैं कि साहब हमें बचाओ, हमारी मदद करो, इनको गिरफ्तार करो, और ढाबे का नामो निशान मिट जाना चाहिए था, लेकिन सबको साला किसी को प्रमोशन की चक्कर है, कोई ब्रिगेडियर बनने के चक्कर में है, कोई जनरल बनने के चक्कर में है। पहले वाले लोग ये कहते थे कि रैंक नहीं, इज्जत चाहिए, वो रैंक नहीं देखते थे, साला अगला रैंक मिले ना मिले, लेकिन ये वर्दी की इज्जत उनके लिए अपनी जान से प्यारी थी, इसलिए जवान उनका रिस्पेक्ट करते थे, देश उनकी रिस्पेक्ट करता था। आज ये देश में मैसेज जाएगा, यह मैसेज जाएगा कि सेना के एक मेजर और जवान और उन जैसियों को मारपीट कर दी गई, और सेना पुलिस को कह रही है। कुछ दिन पहले आसाम में भी हुआ था, वहां भी एक कर्नल साहब पहुंच गए थे, ये हमारी मीडिया और इन नेताओं ने आज इस देश का इतना बड़ा बेड़ा गर्क होने जा रहा है कि देश की सेना से बड़े लीडरों को समझने लग गए हैं कि भाई बस ये हमारे जो लीडर हैं, चाहे मोदी जी है, ये है, यही सब कुछ कर देंगे। सैनिकों की इज्जत जिस देश में गिरती गई है, वो देश जैसे अफगान में गुलाम हो गया ना, वहां लोग आकर बैठ गए, कलेक्टर को बाद में रोगे कि कलेक्टर बंदूक वाला बनेगा, कोई और बनेगा, और फिर गुलाम बनोगे और उसके जिम्मेवार होंगे जो लोग नेताओं की चाटुकारी कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये तो कांग्रेस का राज है, आपका राज है, अरे हिंदुस्तान में तो बीजेपी का राज है भाई, उस मोदी जी का राज है जो सेना को मिठाई खिलाता है, जो सेना के नाम पर वाहवाही लूटता है, जो दुश्मन देश को बोलता है कि मेरी सेना इतनी मजबूत है कि सेकंडों में सबक सिखा देगी, जो सेना खुद अपने अंदर आए दिन हम सोचते हैं ठीक है, अभी तक तो यही होता था कि किसी जवान को पुलिस ने मारा, किसी को सिविलियन ने मारा, लेकिन प्रेजेंट में ढाबे वाले ने मार दिया, ये है हिंदुस्तान की हमारी सेना का। मुझे तो शर्म आती है, इससे अच्छा तो साला दिन देखने से अच्छा तो हम कहीं आज चले गए होते, साला आंख बंद हो गई होती हमारी, मर जाते तो अच्छा है। पंजाब के सैनिकों को कहना चाहता हूं, उन सैनिकों को कहना चाहता हूं जो बोलते हैं हम ओआरओपी के लिए दिल्ली में चढ़ाई कर देते हैं, दिल्ली में धरना दे रहे हैं, अरे तुम्हारी नाक के नीचे अगर आज प्रेजेंट सैनिकों को मारा गया तो तुम्हारा क्या होगा? रैंक के लिए तुमने सड़ा ये अग्निवीर योजना स्वीकार कर ली, सेना पर अग्निवीर 4 साल की नौकरी, अब जो होमगार्ड के बराबर सेना को कर दिया ना, आगे आने वाले दिनों में यही होगा। अगर आपके अंदर अणक है तो भाई साहब वीडियो को शेयर करो, और या तो वहां के प्रेजेंट, अरे छोड़ो पुलिस को, क्या करेगा पुलिस का डीजीपी एसपी? आज अगर आप उनको चढ़ा देते हो कि साहब आप न्याय करो, तो फिर कल सैनिक पिटेंगे, फिर कल जेएसओ अफसर कर्नल पता नहीं जनरल तक पिटेंगे, अगर आज सेना ने खुद कदम नहीं उठाया तो। अपने रैंक के चक्कर में अगर मर गए ना आप लोग, कि अगर मैं कुछ करूंगा, वहां का कर्नल या कोई सोचेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कुछ करूंगा, तो भैया आज सेना की इज्जत से अगर आप ऊपर अपनी रैंक को समझते हो तो एक दिन सेना की दुर्गति बहुत बड़ी होगी। जो तुमने अग्निपथ में स्वीकार कर लिया, चमचागिरी सीडीएस बनने के पद में पता नहीं क्या क्या स्वीकार कर लिया, तो भैया हमें तो माफ ही कर दो। हम तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये कदम हम उठाएंगे, उन ढाबे वालों को हम सबक सिखाएंगे। अगर हाथ खड़े कर दो कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे जवान भाइयों को और जो वीडियो बना रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर प्रेजेंट सेना के मेजर और इनके मारपीट के लिए आप पुलिस के ऊपर निर्भर हो, तो फिर भैया खत्म है कहानी तुम्हारी।
एक जमाना था जब उस साहब ने बोला था कि जब हम अपनी फैमिली और अपने परिवार की हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो देश की रक्षा क्या घंटा करेंगे, और बात सही साबित हो रहा है। अगर आपके अंदर अड़क है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जनरल मनोज पांडे साहब, COS साहब, मैं तो सोचा था कि एक राजपूत को COS बनाया गया है। आज बोलते थे विपिन रावत जी खराब है फलाना, आज विपिन रावत जी होते या चाहे वो VK सिंह जिसको हम चाहे बोलते हैं ना दिल्ली गैरली, कैसा भी होता, लेकिन ये कहानी नहीं होने देता। नेताओं की चमचागिरी करेगा ये देश तो एक दिन फिर गुलामी की राह पर जाएगा। बाहर की कंपनी आ रही है, सब कुछ आ रही है, सब कुछ बिकता जा रहा है और देश गुलाम होगा, उसके जिम्मेवार ये कायर लोग होंगे। और इस ऐसे कायर पड़े में रहने से अच्छा तो है साला इस देश से कहीं चले जाओ। वीडियो सही लगे तो शेयर करो। और फिर कह रहा हूं कि जो हमारे लोग सिर्फ पैसे ORP MSP के लिए लड़ते हो, अरे इन चीजों के लिए लड़ो अगर आपके अंदर अणक है तो। इज्जत के लिए नहीं लड़ रहे हो, थोड़ा जूता खा के चुप रह रहे हो, सिर्फ पैसा बढ़ा दो। अभी तक तो ये हो रहा था तो भैया फिर दूर चले जाओ। सही लगता है तो चैनल से जुड़ो, शेयर करो, नहीं तो मेरे पास तो ऐसी खबर सुनने से अच्छा है मैं कह रहा हूं कि साला मैं तो ये देश ही छोड़ दूं। बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पंजाब के उस ढाबे पर कार्रवाई नहीं होती है तो जल्दी ही चाहे पंजाब के पूरे देश के सैनिक निकलेंगे, चाहे हमें कोई भी सजा मंजूर हो, लेकिन उनको भैया सबक नहीं सिखाएंगे जब तक। बस